गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रशांत मित्रा एक्स्ट्रा तैयारी से। एक्स्ट्रा तैयारी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम सब इस समय ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी जो कई टॉपर्स को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके क्लास सिक्स को हम पढ़ेंगे। क्लास सिक्स लेसन वन और पार्ट थ्री। हम इस लेक्चर को प्रारंभ करने के पहले अपने संस्थान के बारे में बताना चाहेंगे। ये हमारा जो संस्थान है, ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिर्ज़ापुर में। और अगर आप हमसे किसी भी पेड कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, यदि आप आईएएस की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस से लेकर के किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि के लिए भी यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करें। हमारा कॉल नंबर है 9148898009। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास। कल हम लोगों ने औजारों के बारे में चर्चा की थी। पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने औजारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं कपड़ों के बारे में। देखिए क्या लिखा है, आदिम मानव को कपड़ों के बारे में कोई अधिक कठिनाई नहीं थी। इसका मतलब आदिम मानव को कपड़ों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता क्यों नहीं थी? क्योंकि गर्मी के मौसम में बिना कपड़ों के काम चल जाता था। बरसात या ठंडक के दिनों में मारे हुए पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल अथवा बड़े पत्ते कपड़े के रूप में काम में लाए जाते थे। बदन पर लपेटे गए एक या दो मृग चर्म शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त थे। देखिए, आप कभी आदिम मानव की कल्पना करिए तो आदिम मानव नंग धड़ंग रहते थे। लेखक कहती हैं कि उनको गर्मी में तो कपड़ों की आवश्यकता थी ही नहीं, गर्मी में बिना कपड़ों के। अब थोड़ी सी बरसात आ जाए या ठंडी आ जाए तो उनको ठंड लगती है, तो ठंडी में उनको क्या होता था कि वो पशुओं की खाल पहन लेते थे। भाई, वो पशुओं की हत्या तो करते ही थे, क्योंकि हत्या कह लीजिए, शिकार कह लीजिए, क्योंकि उनके दो ही भोजन थे। मैंने ऊपर चर्चा की है, पहला भोजन क्या है? फल फूल है। और दूसरा भोजन क्या है? जानवरों का शिकार है। तो जब जानवरों का शिकार भारी मात्रा में कर रहे हैं तो कभी न कभी इसकी खाल को तो पहना ही होगा। जब इसकी खाल को पहना तो इससे गर्मी प्रकट हुई, तो ये गर्मी जो होती थी इनको क्या करती थी? ठंडी से बचा लेती थी। तो लेखक इस पूरे पैरा में यही कहती हैं कि उनको कपड़ों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। गर्मी में वो बिना कपड़ों के रह लेते थे, और जब ठंडी की बात आती थी तो वो क्या क्या ले लेते थे? पशुओं की खाल ले लेते थे या वृक्षों की छाल ले लेते थे। ठंडी में क्या क्या, देखिए फिर से लिखिए, एकदम छोटे बच्चे जैसा दिमाग लगाइए, क्योंकि कक्षा छः की पुस्तक है। जब तक हम वैसी मानसिकता नहीं लाएंगे तब तक हम एनसीईआरटी को बहुत भारी समझते रहेंगे। तो ठंडी में क्या करते थे ये पहले? पशुओं की खाल। और दूसरा क्या है? वृक्षों की छाल। और अगर ये न मिल पावे तो तीसरे नंबर पर क्या करते थे कि पेड़ों के बड़े पत्ते, इससे ये पूरा काम क्या करते थे? चला लेते थे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्थिर जीवन का आरंभ। जैसे जैसे आदमी को अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधा का जीवन बिताने की उसकी लालसा बढ़ गई। देखिए, आदमी को जब भी अपने अगल बगल के बारे में पता चले, अरे यहाँ पर ये सुविधा है, तो निश्चित रूप से आदमी उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और उस सुविधा का लाभ उठाने के बारे में सोचता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है। तो वही बात यहाँ पर ये कह रही है कि जैसे आदमी को ये पता चला कि हमारे आसपास अधिक सुविधा की वस्तु है,
तो निश्चित रूप से वह उसका उपभोग करके और विलासी जीवन जीने की कोशिश करने लगा। अधिक सुविधा जब बहुत अधिक सुविधा होती है तो आदमी किस में परिणत हो जाता है? विलासी प्रवृत्ति में परिणत हो जाता है। कुछ नई खोजों के साथ आदमी का रहन सहन भी बदल गया। क्या कहती हैं कि कुछ नई खोजें हो गई, तो कुछ नई खोजों के साथ क्या हो गया? नई खोज। जब नई खोज हो गया तो आदमी का रहन सहन बदला। और आप भी देख सकते हैं, पहले अभी देख लीजिए, 15-20 साल पहले मोबाइल नहीं थी, आज मोबाइल है या इंटरनेट आ गया तो हम लोग आपस में जुड़ गए हैं, ज्ञान का आदान प्रदान हो गया, तो हमारे रहने सहने का तरीका बदल गया कि नहीं बदल गया? वैसे ही अगर नई खोजें होंगी तो हमारे रहने सहने का तरीका तो बदल जाएगा, व्यवहार का तरीका बदल जाएगा। वही चीज़ कहते हैं, इनमें आदमी की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी पौधे उगाना और अन्न पैदा करना। कहते हैं कि जो रहन सहन बदलने वाली पोजीशन आई उसमें अगर सबसे क्रांतिकारी भूमिका किसी ने निभाई तो आदमी को दो चीज़ों का ज्ञान हो गया। दो चीज़ों का, पहला क्या है? पौधे लगाना। अभी तक तो इसको लगे हुए पौधे दिखते थे, पौधे कैसे लगाना है इसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब इसने ये सीख लिया कि पौधे कैसे लगाए जाते हैं तो इसके जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और दूसरा क्या? अन्न पैदा करना। और जैसे ही अन्न पैदा करना इसने सीख लिया तो भी इसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने पता लगा लिया, देखिए यह है, उसने पता लगा लिया कि भूमि में बीज डालने और पानी देने से पौधे उगते हैं। यह कृषि की शुरुआत थी, यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मानव को अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं रह गई थी। उसका खाना बदोशी जीवन समाप्त हो गया था और उसने एक स्थान पर टिके रहने वाले किसानों का जीवन शुरू कर दिया था। देखिए, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो समझाते हैं। देखिए, जब किसानों को ये पता लग गया या आदमी को ये लग गया कि यदि हम ये भूमि है और इस भूमि में अगर हम पौधे लगा दें या भूमि में हम पौधे रोपें या बीज रोप दें तो इस भूमि से क्या होते हैं? पौधे बनते हैं। तो धीरे धीरे इसकी उत्सुकता बढ़ी, और उत्सुकता बढ़ी तो कुछ दिनों में ये इसी भूमि से अनाज पैदा करने लगा। और जब ये अनाज पैदा करने लगा तो अब ये एक जगह रहेगा या कई जगह पर जाएगा? तो ये एक जगह पर रहेगा, क्योंकि इस अनाज की सुरक्षा भी तो करनी है कि कोई पशु इसको चर न जावे। तो जब एक जगह रहेगा तो यहाँ से स्थिर जीवन की शुरुआत होती है। क्या होती है? स्थिर जीवन की शुरुआत होती है। एक बात और आप लोग बताइए, जब व्यक्ति स्थिर जीवन की शुरुआत करेगा तो क्या वो दर दर भटकेगा? बताइए, क्या वो दर दर भटकेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भटकेगा। और जब वो भटकेगा नहीं तो कौन सा जीवन नहीं जिएगा? खाना बदोशी। जो पिछले पहले पार्ट में हमने समझाया था, खाना बदोशी का जो जीवन है वो क्या है? वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्थिर जीवन की शुरुआत होती है। आइए आगे पढ़ते हैं। मानव की जीवन पद्धति में ये परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न कालों में हुए। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन जो है केवल एक जगह पर नहीं हुआ। मान लीजिए ये पूरा भारत है तो भारत के यहाँ 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 मतलब विभिन्न भागों में हुए, और एक ही समय में नहीं हुआ बल्कि विभिन्न समयों में हुए या विभिन्न कालों में हुए। ठीक है, अब देखिए, हमारे देश के अधिकांश स्थानों में ये परिवर्तन आज से करीब से 4 से 5 हज़ार साल पहले हुए। यदि हमारे देश भारत की बात की जाए तो ये जो परिवर्तन है 4 से 5 हज़ार साल पहले हुए हैं। 5 हज़ार साल पहले हुए हैं। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको रोमिला थॉपर ने लिखा है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? पशुपालन।
इसको मैं मिटा देता हूँ जिससे आप लोगों को पढ़ने में लगातार मदद मिलती रहे। पशुपालन में क्या होता है कि मनुष्य ने एक, अब ये पढ़िए, मनुष्य ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। कौन सी? उसे पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है, यानी वह उन्हें अपने काम के लिए उपयोग में ला सकता है। उदाहरण के लिए, जंगली बकरे बकरियों को केवल मारा जा सकता था और उनका मांस खाया जा सकता था, परंतु पालतू बकरियां प्रतिदिन दूध दे सकती थी और उनसे और बकरियां पैदा की जा सकती थी और उनमें से कुछ खाई भी जा सकती थी। इस प्रकार शिकार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं रह गई थी। देखिए, एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया, मैं आपको वही उदाहरण समझाता हूँ। उदाहरण क्या दिया इन्होंने? बकरी का। किसका उदाहरण दिया? बकरी। पहले बकरी जब ये पालतू नहीं थी, मान लो ये पालना जब नहीं सीखा था, ये देखिए मैं लिख देता हूँ, जब पालना नहीं सीखा था तो क्या करता था इस बकरी का? इस बकरी का केवल शिकार करता था और शिकार करके क्या करता था? मांस खाता था। और जब इसको ये पता चल गया, अरे ये बकरी तो दूध भी देती है, तो जब दूध देती है साथ ही साथ क्या करती है? बच्चे पैदा करती है। दूध देती है, बच्चे देती है, तो इसका दोनों काम हो गया ना। दूध से इसको दूध मिल गया, इसको पालतू बना लिया, और ज़्यादा मात्रा में बच्चे हो गए तो इसका मांस खा लिया। इसको क्या कर लिया? इसका मांस खा लिया। तो अब आप बताइए, तो ये मांस के लिए दर दर भटकना इसका बंद हो गया? पहले मांस के लिए ये क्या करता था? दर दर भटकता था। दर दर भटकना लिख लो यहाँ पर। अब उसका ये जीवन क्या हो गया? बंद हो गया। जब उसका ये जीवन बंद हो गया तो कैसा जीवन जिएगा? अस्थाई जीवन जिएगा। और अस्थाई जीवन में क्या करेगा? इन पशुओं को, इन बकरियों को जब पालतू बनाएगा तो घर में ही दूध और घर में ही मांस। पालतू बनाया, समझ में आ रहा? बिल्कुल बच्चों की तरह समझिए, बड़े बनकर मत समझिए। जब बच्चों के दिमाग की तरह इसको समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। आइए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। कुत्ते को पालना मनुष्य के लिए बड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ। कुत्ता भी पाला, बहुत फायदेमंद हुआ, क्योंकि कुत्ता घर की रखवाली कर लेता था, इसके साथ साथ चल लेता था। पालतू बनाए गए दूसरे पशु थे भेड़ और ढोर। ढोरों का बड़ा लाभ होता था, क्योंकि उनमें न केवल भोजन मिलता था बल्कि हल जोतने और गाड़ी खींचने में भी उन्हें काम में लाया जाता था। एक था भेड़, भेड़ से ऊन इत्यादि था, दूसरा था ढोर। तो ढोर से क्या करते थे? भोजन। ढोर से क्या होता था? इनको शिकार कर लेते थे, इनको भोजन भी मिलता था। और ये ढोर जो होते थे, ये गाड़ी खींचने और जोतने, इन दोनों के काम में भी आते थे। तो इस तरीके से जो पालतू पशु हैं, इन पालतू पशुओं से लगातार इनको लाभ होता चला जा रहा है। देखो, इसी तरीके से हमको कई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, कुछ लोग अभी ये नहीं समझ रहे होंगे जो हमारे साथ पढ़ रहे होंगे कि ढोर क्या होते हैं। ढोर, देखो ढोर किसको कहते हैं? ढोर यहाँ लिख लो कहीं पर, अगर लिख रहे हो कहीं तो ये लिखो ढोर। ढोर वो पशु होते हैं जिनके क्या होता है? खुर होता है। क्या होता है? खुर होता है ना, पैरों को, पैरों में जो होता है उसको खुर कहते हैं। और प्रत्येक खुर जो होता है, ये खुर है तो आप देखेंगे वो खुर बीच से थोड़ा सा फटा होगा, ऐसे ऐसे खुर है तो ये बीच से फटा होगा। तो ऐसे जो पशु होते हैं उनको क्या होता है? ढोर कहते हैं। और इनको अधिकांश में इनको सींग भी होती है, तो इस पूरे पशु को ही क्या कहते हैं? ढोर कहते हैं। तो अब बताइए कि ढोर में कौन कौन आएगा, कोई बता सकता है? क्योंकि ढोर में आता है बछड़ा। ढोर में क्या आता है? बछड़ा आता है, बछिया आती है, बैल आता है, गाय आती है, सांड आता है, भैंस आती है, ये सब किस में आते हैं? ढोर में आते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि सबसे ज़्यादा लाभ इसको किसको पालने में हो गया? ढोर को पालने में हो गया। आइए आगे देखते हैं। धातुओं की खोज। जब मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गया और अन्न पैदा करने लग गया, तो उसने सर्वप्रथम पेड़ों तथा झाड़ियों को काटकर या जलाकर जमीन साफ करनी पड़ी। और इस काम में पहले के दो आविष्कार बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। अब मैं इसको थोड़ा सा और कहिए तो आप लोगों को मैं समझा दूँ।
अगर आप नहीं समझ रहे होंगे। देखो भैया, जब ये खेती करेगा, तो जब ये खेती मान लीजिए, अब मैं यही समझा देता हूँ, जब ये मान लो इसको अनाज अनाज उगाना आ गया, क्या आ गया, अनाज उगाना। तो जब अनाज उगाना आएगा तो अस्थाई जीवन जिएगा, इतना तो समझ में आ गया। अब ये अनाज जो है वो पहले इतने से पार्ट में करता था, धीरे धीरे जब इसको इसका ज्ञान होता जाएगा तो एरिया धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा, फिर एरिया इतना बढ़ाएगा इतना बढ़ाएगा। तो जब ये एरिया लगातार बढ़ाएगा तो पूरे एरिया में तो कहीं खेत समतल थोड़ी है, अरे पूरा का पूरा जंगल है। इस जंगल को काटेगा तब तो इसको समतल बनाएगा। तो यही यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब अस्थाई रूप से बसा और अन्न पैदा करने लगा तो वो पेड़ों और झाड़ियों को काट करके क्या हुआ, जमीन साफ की। और जो ये जमीन साफ की तो इसमें दो चीज़ इसके लिए बहुत उपयोगी हुए, एक क्या हुआ, पत्थर की कुल्हाड़ी जो पेड़ और झाड़ियों के काटने के काम में आई, और बाद में जब ये झाड़ी काट ली जाती थी तो इसको जला दिया जाता था, तो जब जला दिया जाता था तो ज़मीन साफ हो जाती थी। तो पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेट काटना बड़े परिश्रम का काम था, पर सौभाग्य से एक और खोज हो गई, और उस खोज ने, देखिए आगे यहाँ पर, उस खोज ने पेड़ों को काटना आसान बना दिया। देखिए स्टार्ट है, तो स्टार्ट में पेड़ जो हैं, मैंने पहले भी कहा, पेड़ किससे काटे जा रहे हैं, पत्थर से काटे जा रहे हैं। तो अब पत्थर से अगर आप पेड़ काटोगे, आज भी कल्पना करो, तो कठिन काम है कि नहीं कठिन है, पत्थर लीजिए फिर उस पेड़ को काटिए, कितना श्रम लगता होगा। लेकिन इसी समय धातुओं की खोज हो गई। धातु किसको कहते हैं, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, तो ये जो हैं ये पत्थर की अपेक्षा ज़्यादा आसान होंगे। तो यही कहती हैं लेखक कि धातुओं की खोज ने इसको ज़्यादा आसान बना दिया। और सबसे पहले किस धातु की खोज हुई, लिखो यहाँ पर, तांबे की खोज हुई। किसकी खोज हुई, तांबे की खोज हुई। बाद में तांबे के साथ दूसरी धातु मिला दी गई। पहले क्या हुआ, पहले मिला तांबा, और तांबा के साथ क्या हुआ, दूसरी धातु मिलाया गया, जैसे इसके साथ रांगा मिलाया गया, जस्ता मिलाया गया, और क्या मिलाया गया, शीशा मिलाया गया, तीन चीज मिलाई गई। तो जब ये तीनों चीज तांबे के साथ मिला दी गई तो ये क्या बन गया, ये बन गया कांसा। कहीं फ्रेश पेज में लिखना चाहें तो आप लिखिए, अगर आप लोग लिखना चाहें कोई तो यहां लिख लीजिए, लिखिए यहां पर, सबसे पहले क्या हुआ, तांबा की खोज। कॉपी में लिखते जाइए, नोट्स बनाइए, तभी असली मज़ा आएगा, जान लीजिए। और नोट्स इसके बाद क्या है, तांबा के साथ मिल गई तीन चार चीज़ें, क्या मिल गई, रांगा, जस्ता और शीशा। यही है ना यहाँ पर, रांगा, देखिए यहाँ रांगा, जस्ता और शीशा। और जब इनके साथ ये रांगा, जस्ता और शीशा मिल गई तो क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों मिला करके बन गया कांसा, क्या बन गया, कांसा। तो इस तरीके से समझना चाहिए। तो प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले किसकी खोज हुई, तांबे की खोज हुई। कांसा कैसे बना, जब तांबे में रांगा, जस्ता और शीशा इन तीनों का मिश्रण कर दिया गया तब कांसे का निर्माण हुआ। अब यह सब कैसे हुआ, कच्ची धातु के पिंड को पिघलाकर किस प्रकार धातु तैयार की गई, यह हमें मालूम नहीं है। लेखक कहती है कि ये देखिए कैसे ये सब हुआ, कैसे तांबा से कांसा बन गया, इसके बारे में हमको विशेष जानकारी नहीं है, या हमको ये विधि नहीं मालूम हो सकी है, क्योंकि हमें वो स्रोत नहीं मिले। धातु की छुरियाँ और कुल्हाड़ियाँ पत्थर के औजारों से अधिक पैनी और बेहतर काम करने वाली सिद्ध हुई। कहती है कि जो पत्थर से लोग काटते थे, पत्थर की छुरी बनाते थे, ये हमने तीनों काल के औजारों के बारे में बताया, तो पत्थर की छुरी की अपेक्षा जो धातु की छुरी है वो क्या हुई, अधिक पैनी हो गई और बेहतर काम करने वाली हो गई।
तो जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था उसे पाषाण युग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पाषाण युग, पाषाण युग का मतलब यहाँ पर समझा रहे हैं वह युग जब मनुष्य क्या करता था, केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग क्या करता था, केवल पत्थर के औजारों का, केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। तो इस पूरे युग को क्या कहेंगे, पाषाण युग कहेंगे। अब जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया उसे ताम्र युग या कांस्य युग कहते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर, अब आइए समझिए, एक भी बिंदु छूटना नहीं चाहिए। समय लग रहा है कोई बात नहीं, समय अपने पास है, लेकिन एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। और एक बार आप एनसीईआरटी यहाँ से पढ़ लो तो दूसरी बार एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से हम एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, इसने क्या कहा कि जब केवल पत्थर के औजारों का उपयोग, केवल पत्थर के औजारों का उपयोग, तब ये क्या है, ये है पाषाण युग। कौन सा युग, पाषाण युग। लेकिन जब पत्थर प्लस धातु, पत्थर प्लस धातु के औजारों का प्रयोग होता है, पत्थर प्लस धातु के औजारों का प्रयोग होता है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कांस्य युग। समझ में आया, बिल्कुल कक्षा छः के बच्चों की बात इसको समझिए। और यही समझ आपको बड़ी परीक्षाओं में, आईएएस की परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में आपको बहुत आगे करेगी। इसीलिए हम एक एक पंक्ति को लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ताम्र युग या कांस्य युग, भारत के कई स्थानों से उस युग की तांबे या कांस्य की कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ मिली हैं। ऐसे कुछ स्थान हैं ब्रह्मगिरी और नवदा टोली। यहाँ लिखते हैं कि देखो कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये इसके औजार मिले हैं। तो कहते हैं कहाँ कहाँ, बोले जैसे कि ब्रह्मगिरी है तो ब्रह्मगिरी में मिला है और एक नवदा टोली में मिला है, तो इसके बारे में ये कहते हैं। तो मित्रों देखिए, ज़्यादा हम बड़ा इस वीडियो को करेंगे नहीं, इसको हम चार, एक ही पार्ट को हम चार पार्ट में ले आ देंगे, ये मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है कि हम जो यहाँ पर चर्चा करें वो आपको समझ में ना आए। दूसरी, आउट ऑफ पॉइंट एक भी चर्चा हम नहीं करेंगे, केवल आउट ऑफ पॉइंट हमको अगर चर्चा करनी भी है तो हम अपने एक्स्ट्रा तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा तैयारी, आप हमसे जुड़िए, आप जिस भी कोर्स के लिए जुड़ेंगे, चाहे किसी भी कोर्स के लिए, वो UPSC, PCS या एनी अदर एग्ज़ाम के लिए, तो हम पूरे डेडिकेशन के साथ एक निश्चित समय सीमा में और पूरे बाजार में जितने लोग चल रहे हैं उनसे बेहतर गुणवत्ता में आपको शिक्षा प्रदान करेंगे। तो इसके लिए एक बार फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये हमारा नंबर है 9148898009, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर कॉल करें, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। ये जो हमारा संस्थान है, ये संस्थान है मिर्ज़ापुर में, संस्थान हमारा मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर में शुक्लाहा है और शुक्लाहा में है BLCC टावर। उस BLCC टावर पर हमारा ये संस्थान है। एक काम और करिएगा जाते जाते कि इस चैनल को आप लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो करिए, और अगर आपको इसके कंटेंट बेहतर लग रहे हैं तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए। हम निश्चित रूप से आपके आभारी रहेंगे और पूरे जोश के साथ फिर से हम आगे के लिए मिलते हैं। इंतज़ार करिए हमारे चौथे पार्ट का, चौथे पार्ट में हम पहले पार्ट को पूरा करने का प्रयास